हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पैडागोजी ऑफ इंटीग्रेटेड साइंसेज। ये बीएड कोर्स के अंदर सेमेस्टर टू में ये सब्जेक्ट आता है, जिसके अंदर हमें इंटीग्रेटेड साइंस को कैसे पढ़ाना है, उसकी क्या पैडागोजी है, इसके बारे में बताया जाता है। जैसे इसकी यूनिट वन होती है कि साइंस इन स्कूल करिकुलम, जो स्कूल का सिलेबस है उसके अंदर साइंस को कैसे पढ़ाया जाता है और क्या क्या चीज़ें आती है वो इस यूनिट के अंदर है। उसके अंदर टॉपिक साइंस लाइक व्हाट इज साइंस, व्हाट आर साइंटिफिक मेथड्स, हाइपोथेसिस एक्सेट्रा, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगी। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे हमारा बेसिक क्वेश्चन आता है कि व्हाट साइंस इज, तो ये काफ़ी बेसिक भी है और काफ़ी आपको सोचने पे भी मजबूर करता है कि साइंस क्या होता है। जैसे जो टेक्स्ट बुक के अंदर फैक्ट्स होते हैं, क्या वो साइंस होता है, या एक वाइट लैब कोट या कोई माइक्रोस्कोप आपने देखी, क्या वो साइंस होता है, या फिर एक एस्ट्रोनोमर है वो टेलीस्कोप से चीज़ों को देख रहा है वो साइंस है, या फिर एक स्पेस शटल को लॉन्च करना साइंस है, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, साउंड, इमेजेस, रेडियो, टेलीविज़न है, इनके थ्रू ब्रॉडकास्ट किया जाता है, टेलीकास्ट किया जाता है, चैनल्स पर हम टीवी पर सीरियल्स देखते हैं, सॉन्ग्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, क्या वो साइंस है। और या फिर जो मशीन्स है जैसे वैक्यूम क्लीनर, ये सारी मशीनें हाउस होल्ड वर्क्स में जैसे मिक्सर, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती है, क्या वो साइंस है। तो ये सभी इमेजेस जो है वो रिफ्लेक्ट करती है साइंस के कुछ आस्पेक्ट को, बट ये सभी चीज़ें देखकर हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये साइंस है, क्योंकि साइंस अपने आप में काफ़ी ब्रॉड है, वास्ट है, हम इसको कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर हमें अंडरस्टैंड करना है कि साइंस क्या है, तो आप अपने चारों ओर देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, आप क्या देख रहे हो, जैसे पेपर, बॉल पेन, टेलीफोन, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, फैमिली में अगर कोई डॉग है या फिर सन है उसकी रेज आ रही है विंडो की तरफ, कोई गेट ओपन है, कोई मशीन, कोई फ्रिज, ये चीज़ें आप देख रहे हो। तो यस, साइंसेज आर नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ दैट, कि हम इन चीज़ों को जानते हैं कि कैसे इनकी फंक्शनिंग है, कैसे ये वर्क करती है, तो साइंस वही है। एवरीथिंग दैट इज़ इन द यूनिवर्स फ्रॉम टाइनी इलेक्ट्रॉनियन एटम, जो इलेक्ट्रॉन जो कि काफ़ी छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और वो भी काफ़ी टाइनी निगेटिव चार्जेस में, तो वो भी काफ़ी टाइनी हो एटम के अंदर, टू द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट फॉर्म द फायर बॉल ऑफ गैस विच इज़ सन। वो ही इसका मतलब है कि एक फायर बॉल ऑफ गैस सन, जो कि काफ़ी बड़ा है अपने आप में साइज में, कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उसका साइज कितना है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जो सन है और एक टाइनी इलेक्ट्रॉन है एटम का, एटम जो खुद में ही स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो वहाँ से लेकर इतने वास तक जाना ये ही साइंस है। इसी के बीच में हमें चीज़ों की नॉलेज है, वो ही साइंस है बेसिकली। आगे हम देखें तो आगे जैसे अब जब भी हम किसी चीज़ की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो हमें जैसे जो महान साइंटिस्ट हुए उनकी उन्होंने क्या बोला इस चीज़ के बारे में, हमें अपने क्वेश्चन के आंसर में लिखना होता है। इससे आंसर जो है इफ़ेक्टिव लगता है, और हमें भी पता होना चाहिए कि जब लोगों ने रिसर्च की व्हाट साइंसेस, तो क्या क्या डेफिनेशंस दी महान साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने। तो जैसे फिट पैट्रिक ने 1960s में एक डेफिनेशन दी थी कि साइंस इज़ ए कम्युलेटिव एंड एंडलेस सीरीज ऑफ एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। तो जैसे इम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन होता है वेरीफिएबल और प्रूवेबल बाय मींस ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, जो वेरीफाई हो, प्रूवेबल हो, जिसको हम ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई कर सके, वो इम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन हुई। और यहाँ पे जैसे वर्ड यूज हुआ है कम्युलेटिव, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इंक्रीजेज बाय सक्सेसिव एडिशंस, जब हम किसी चीज़ को बार बार किसी में ऐड करते हैं और वो इंक्रीज होती चली जाती है, वो ही कम्युलेटिव है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन ए पूल दैट इज़ बींग फिल्ड, अगर कोई पूल जो है वो भरा हुआ है फिर भी हम उसमें वाटर का अमाउंट ऐड करते रहेंगे, वो ऑलरेडी फिल्ड है तो उसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो साइंस जो है वो एक कम्युलेटिव, इसी तरह की हम इसके अंदर नॉलेज को जो है वो इसके अंदर डालते रहते हैं और इसका लेवल इंक्रीज होता रहता है, तो साइंस एक कम्युलेटिव है।
और एंडलेस, एंडलेस जो कभी ख़त्म ना हो, इसमें कुछ ना कुछ नई इनोवेशन रिसर्च चलती रहती है। तो साइंस एक कम्युलेटिव एंडलेस सीरीज है इम्पीरिकल ऑब्जर्वेशंस की, जो प्रूव्ड हो वेरीफिएबल हो, सॉरी प्रूव्ड हो वेरीफिएबल हो, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, जिसके अंदर जो ये चीज़ें जो है मिलकर एक कॉन्सेप्ट और थ्योरीज बनाती है, विद बोथ कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज बींग सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन इन द लाइट ऑफ फर्दर इम्पीरिकल ऑब्जर्वेशन, जो बाद में प्रूवेबल फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन बनती है उनके मॉडिफिकेशन में भी ये हेल्प करती है। दस हम क्या बोल सकते हैं कि साइंस जो है वो बोथ अ बॉडी ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड रिफाइनिंग नॉलेज, ये एक बॉडी होती है नॉलेज की, जिसके अंदर हम नॉलेज को एक्वायर भी करते हैं, उसे रिफाइन भी करते हैं, सही गलत भी देखते हैं। एंड वन ऑफ इट्स प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स इज डायनेमिक नेचर, ये एवर चेंजिंग होता रहता है। डायनेमिक एक ऐसा प्रोसेस जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है और बढ़ता रहता है, प्रोग्रेसिव नेचर होता है जिसका, जो प्रोग्रेस करता रहता है। अब बात करें सेकेंड साइंटिस्ट यानी स्टॉलब्रे की, जिन्होंने 1961 में डेफिनेशन दी, इन्होंने कहा कि साइंस एक ह्यूमन इंटरप्राइज है जिसके अंदर क्या क्या आता है, ongoing process of seeking explanation and understanding of the natural world, also including that which the process produces man's storehouse of knowledge। तो ये सब जिसके अंदर explanation हो, understanding हो natural world की, और जो man है उसका knowledge का एक घर बन जाए, तो वही जो है वो इन्होंने उसको ही साइंस कहा है। आगे देखते हैं, तो जैसे साइंस के अंदर होता क्या है, जैसे बेसिक क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस होती है साइंस के अंदर। जैसे पिक्चर में हम देखें कोई बर्ड है वो उड़ रही है जैसे यहाँ पे, तो हम क्या देखेंगे, बर्ड के फुटप्रिंट्स, बर्ड फ्लाई कर रही है, कैसे फ्लाई कर रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है कि राइट टू लेफ्ट जा रही है, और क्या डायरेक्शन, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। तो वो ही साइंस है, हम किसी चीज़ के बारे में ऑब्जर्व करें, कुछ चीज़ें हम देखें, कोई डिफरेंट सी इमेज देखी तो हमारे मन में क्वेश्चन आए कि ये कहाँ की इमेज है, और या हम इसको अपने, ये हमारे माइंड में इमेजिनेटिव है कि हम अपनी आँखों से देख रहे हैं इसको, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर साइंस के थ्रू ही मिलते हैं। अब बात करें हम साइंटिफिक मेथड की, तो देर इज़ अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक मेथड, ये एक मिथ है, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। आप ये लाइंस कई जगह देखोगे बट ये ट्रू नहीं है। साइंटिफिक मेथड अपने आप में कुछ नहीं होता, कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक मेथड नहीं है, बट साइंटिस्ट जो है कोई भी मेथड फॉलो करते हैं, वो भी उसमें भी स्टेप्स होते हैं कुछ, जो वो भी ऑर्डर नहीं होता उनका भी कुछ, वो कोई साइंटिस्ट पहले क्या यूज़ करता है, कोई पहले कैसे एक्सपेरिमेंट करता है, वो डिपेंड करता है कि जो साइंटिस्ट है वो किस तरह एक्सपेरिमेंट अपनी रिसर्च है एक्सपेरिमेंट कैसे करना चाहते हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट तो एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं है, जो साइंस है उसके एविडेंस ढूंढते हैं। और जैसे कुछ प्रोसेस होते हैं जैसे ऑब्जर्व करना चीज़ों को, फिर हाइपोथेसिस बनाना, फिर प्रेडिक्शन करना, फिर टेस्ट करना, फिर रिजल्ट करना, फिर इंटरप्रिटेशन देना, फिर से हाइपोथेसिस लाना, फिर टेस्टिंग करना, फिर थ्योरी देना, फिर लॉ देना, उसमें भी कुछ नए आइडियाज़ बीच में ऐड कर देना, कभी रिजल्ट के बाद टेस्ट करना, कभी टेस्ट के बाद रिजल्ट करना, तो ऐसे रेप्लिकेशन जो है वो चलता रहता है। तो ये चीज़ें एक प्रॉपर स्टेप्स में नहीं होती और कोई एक यूनिवर्सल स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड नहीं होता। अब बात करें एक्सपेरिमेंट की, तो साइंस जो है उसके अंदर बोला जाता है कि साइंस ऑलवेज इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंट, ये भी एक मिथ है, ये भी ट्रू नहीं है। कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कभी पॉसिबल नहीं होते, जैसे क्लाइमेट साइंस को पढ़ना, इस पर स्टडी करना, वोल्केनो को, या फिर माउंटेन गोरिल्लाज हो वाइल्ड में, या आइंस्टीन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए, तो सबको हम करके नहीं देख सकते। तो हर जगह ये नहीं बोल सकते कि साइंस के अंदर हमेशा एक्सपेरिमेंट होते हैं, कुछ टेस्टिंग ये चीज़ें हम कभी कभी पॉसिबल नहीं होती तो नहीं कर पाते, तो ये भी एक मिथ होता है। फॉर्मिंग हाइपोथेसिस की बात करें तो बोला जाता है कि हाइपोथेसिस इज़ एन एजुकेटेड गैस, हम मन में जितनी हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से एक चीज़ एक थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, उसको लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये भी एक मिथ है। हाइपोथेसिस एक टेम्पररी एक्सप्लेनेशन है, वो भी टेस्टेबल होता है, उसको भी हम सही गलत देख सकते हैं, और केयरफुल ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं या हमारी प्रीवियस जो भी साइंटिफिक नॉलेज होती है उसके बेस पर ही हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो साइंटिफिक ट्रूथ, तो साइंस जो है वो ऑफर करता है सर्टेनिटी एंड प्रूफ, ये भी एक मिथ है।
साइंस के अंदर हमेशा सर्टेनिटी और प्रूफ ही नहीं देखा जाता, साइंस जो है वो भी टेंटेटिव होता है नेचर में, मतलब ये नहीं कि इसमें चीज़ों को हम कोई चीज़ हमने बनाई या कोई थ्योरी हमने दी उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, वो टेंटेटिव होता है नेचर में। साइंस डज नॉट सेट आउट प्रूव एवरीथिंग, और सब कुछ इसमें हम प्रूफ नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्रूव्ड होती है उनको हम प्रूव करके नहीं देखते, उन्हें मान लिया जाता है। इविडेंस कैन सपोर्ट अ थ्योरी और अ लॉ बट विल नेवर प्रूव दैम टू बी ट्रू। इविडेंस के आधार पर हम एक थ्योरी या फिर लॉ बनाते हैं, बट ये नहीं कि हमेशा उन थ्योरी या फिर लॉ को हम प्रूव करते रहे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सही है या गलत है। तो हमारा बेसिक जो क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो के अंदर डेवलप हुआ कि सो व्हाट ऑल साइंस इंक्लूड्स, सो साइंस के अंदर क्या क्या आता है, तो आई थिंक हमें पता है साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो साइंस एक नॉलेज ही है जिसकी जो कि एक सिस्टमैटिक इंटरप्राइज है जो बिल्ड्स और ऑर्गेनाइज करता है नॉलेज को इन द फॉर्म ऑफ टेस्टेबल एक्सप्लेनेशंस एंड प्रेडिक्शंस अबाउट द यूनिवर्स। और साइंस मल्टी डिसिप्लिनड होता है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की स्टडीज़ करते हैं, जैसे इसकी ब्रांचेज है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस, फिजिक्स के अंदर मैकेनिकल थिंग्स, बायोलॉजी के अंदर एनिमल्स, ट्रीज, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो इन जनरल साइंस इन्वॉल्व अ परस्यूट ऑफ नॉलेज कवरिंग जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल लॉज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।